Do you want to be a smart learner or a super learner? What does it mean? जिस तरीके से सुपरमैन हम बोलते हैं, who is a superman? Superman एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास कुछ सुपर पावर्स हैं. He is a superhero, that's why he is known as Superman. ऐसे ही और भी सुपर हीरोज हैं, लाइक आयरन मैन, बैटमैन और मैनी अदर्स. सिमिलरली एज ए स्टूडेंट, डू यू वॉन्ट टू बी अ सुपर स्टूडेंट और अ सुपर लर्नर? दिस इज 100% पॉसिबल. एंड टूडे आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 7 स्ट्रेंज सीक्रेट्स दैट विल हेल्प यू बिकम अ सुपर लर्नर. आई वेलकम यू ऑल. माई नेम इज रोहित अग्रवाल एंड आई एम एन इंजीनियर. अलॉन्ग विद दैट आई हैव टर्न्ड इनटू अ स्मार्ट स्टडी कोच. And today in our very amazing session, I'm going to share the 7 secrets that no topper will share with you. Yes, this is 100% true. The secrets that I'm going to share with you are used and applied by the top achievers in the world. So let's dive in the mind map. I believe the mind map is pretty clear to you. And as you can see, the mind map, super student secrets. And today, the 7 straight secrets. 7 strange secrets. Now, before I start this session, let me ask you a question. It's very simple. अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, तो क्या आप उसको उठाकर चेंज कर पाएंगे? क्या जवाब होगा आपका? Of course नहीं कर पाएंगे. Even आपके मन में ये भी बात आ रही हो सकती है कि ये बड़ा ही सिली क्वेश्चन और मैं आपसे ये क्यों कर रहा हूँ, राइट? इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा कि ये सवाल मैंने आपसे क्यों पूछा. उस पूरी प्रोसेस में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ 7 सीक्रेट्स जो आपको सुपर लर्नर बनाएंगे. एंड सीक्रेट नंबर 1 इज यूज द पावर ऑफ माइंड मैपिंग. क्या मतलब है इस बात का? आप सभी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक पेरेंट हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई में एक्सेल करे, उनके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है. ये जो सीक्रेट्स हैं ये वास्तव में स्ट्रेंज है. क्यों? क्योंकि लोगों को पता तो है लेकिन इसको अप्लाई नहीं करते, या इसके बारे में जानते तो हैं लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जानते हैं. तो द पावर ऑफ माइंड मैपिंग, इसका मतलब क्या है? जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमारे नोट्स बनाने का एक तरीका होता है जो हमने बचपन से सीखा है, जिसको बोलते हैं लीनियर नोट्स, राइट? अब सच्चाई तो ये है कि उस तरीके को हम भले ही बचपन से यूज़ कर रहे हैं, बट क्या वो तरीका सही है और क्या वो इफ़ेक्टिव तरीका है? शायद नहीं. उसके लिए उसका एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, दैट इज़ नोन एज माइंड मैपिंग. ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है नोट्स बनाने का. और आप इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? यू कैन अप्लाई इट इन योर स्टडीज़. अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उसके लिए प्रिपरेशन के लिए आप माइंड मैप बना सकते हैं. इवन दिस इज़ अ माइंड मैप. आई एम प्रेजेंटिंग दिस टू यू एज अ प्रेजेंटेशन एंड इट इज़ अ माइंड मैप. यस, आप अपने डेली शेड्यूल को बनाने में या अपने टू डू लिस्ट को मेंटेन करने में आप माइंड मैप बना सकते हैं. इवन If you want to plan a party or a vacation, you can use a mind map. एक example देता हूँ. मान लीजिए आपको birthday party plan करनी है, right? क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं जो आप mind map के अंदर डाल सकते हैं? Number 1, किसकी birthday party है. Second, जगह कौन सी होगी, यानी venue कौन सा होगा. Third, किस किस को बुलाना है. Fourth, theme कौन सी होगी. Fifth, menu क्या होगा. Fifth, कुछ रिटर्न गिफ्ट देना है या नहीं देना है, तो क्या देना है, किसको क्या देना है, राइट? बच्चों को क्या गिफ्ट देना है, बड़ों को क्या देना है. सो समथिंग लाइक दिस. तो एक माइंड मैप क्या करता है, कितनी भी बड़ी थ्योरी हो, इसको सिंपल में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कितनी भी ज़्यादा थ्योरी हो, एक पेज, दो पेज, तीन पेज, इवन पूरा चैप्टर, उस पूरे के पूरे थ्योरी को एक सिंगल पेज में ला के रख देता है माइंड मैप. दैट इज़ द पावर ऑफ माइंड मैपिंग. जब हम माइंड मैप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से माइंड मैप बनेगा. अब आपको मैं प्रो टिप देता हूं कि आपको माइंड मैप बनाना है तो उस वक्त क्या ध्यान रखना है. कोशिश करिए कि आप माइंड मैप पेपर पर बनाएं और मल्टीपल कलर्ड पेन्स के साथ बनाएं, मींस स्केच पेन के साथ बनाएं, जैसा कि यहां पर आपको इमेज में दिख रहा होगा. बाय चांस अगर आप नहीं बना पाते हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं कलर्ड पेन्स एंड पेपर, आप अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या लैपटॉप पर एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उस पर बना सकते हैं. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ए स्टूडेंट. दे आर लाइक सुपर अमेजिंग. And all the top achievers in the world use the power of mind mapping. So the secret number 1 was this. Secret number 2 is your focus. My mentor always say that your time is not the asset, but your focus is the more important asset than your time. Why? Because
टाइम सभी के लिए बराबर है, 24 घंटे सभी को मिलता है, इवन द पर्सन इज अ बैगर और लाइक द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, बट टाइम सबके लिए 24 घंटे, बट फोकस वो आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। अभी तक क्या माना जाता था कि भैया मल्टीटास्किंग करो, मतलब एक बार में दो तीन चार काम करिए, अभी तक ये माना जाता था। और मैंने जैसा कि मेंशन किया, इट वाज अ बज वर्ड इन द लास्ट डिकेड, यानी 10 साल पहले तक यही माना जाता था कि एक बार में दो तीन काम करिए। एंड फॉर एज ए स्टूडेंट हम करते भी हैं, खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी चल रही है, पढ़ भी रहे हैं, बट सोच कर देखिए क्या इफेक्टिवली कोई भी काम हो रहा है, इफेक्टिवली पढ़ भी पा रहे हैं, इफेक्टिवली खा भी पा रहे हैं, या टीवी देख पा रहे हैं? नो, बट ऐसा हो रहा है, हम कर रहे हैं। बट हमें क्या करना है, हमें वापस रूट्स पर जाना है, जड़ों पर जाना है, हमें बेसिक्स पे काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि नाउ वी आर लिविंग इन अ डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है, पूरे टाइम हमारे पास फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे एप्लीकेशंस अवेलेबल है जहां पर नोटिफिकेशंस लगातार आ रहे हैं, और जैसे ही नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मे बी वो साइलेंट पर हैं, बट वो हमारे हमारे ब्रेन को ट्रिगर कर रहे हैं और हमारा जो अटेंशन स्पैन है उसको छोटा कर रहे हैं। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिसर्च की थी जिसमें ये पता लगाया गया था कि हमारा अटेंशन स्पेन लगभग 8 सेकंड का हो गया है, कम हो गया है। अब आप सोच कर देखिए, यानी अगर हम ध्यान ना दें, फोकस ना डेवलप करें, तो हमारा हर एक 8 सेकंड पर फोकस जो है, कंसंट्रेशन जो है, वो ब्रेक होगा, हमें महसूस नहीं होगा बट वो ब्रेक होगा। इजंट इट डेंजरस एज ए स्टूडेंट? 100% इट इज। अब फायदा क्या होगा जब आप एक बार में एक ही काम पर फोकस करेंगे? तो सबसे पहला फायदा होगा कि आप फ्लो स्टेट में होंगे। फ्लो का मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में कॉमन सेंस की बात करते हैं, व्हेन वी सी वाटरफॉल, पानी का झरना जब बहता है तो उसका एक अपना फ्लो होता है, इजंट इट? यस, अपने एक फ्लो में बहता है और आगे बहता बहता आगे चला जाता है, अपना पूरा रास्ता बनाता है वो। सिमिलरली जब आप एक काम पर फोकस करेंगे तो आपका जो फ्लो, आप एक ऐसी स्टेट में होंगे जहां पर आप थकान महसूस नहीं करेंगे। किस तरीके से, जैसे एक छोटा बच्चा जब खेल रहा होता है या कुछ भी कर रहा है, इवन वो कलर कर रहा है किसी कलर बुक में, या वो खेल रहा है, कुछ भी एक्टिविटी बच्चा कर रहा है, उस मोमेंट में वो वहीं पर होता है पूरी तरीके से। उसे ना भूख लगती है उस वक्त, ना प्यास लगती है, ना उसे मम्मी की याद आती है, ना पापा की याद आती है, ही और शी डजंट केयर अबाउट एनी थिंग इन द वर्ल्ड, राइट? क्योंकि वो फ्लो स्टेट में होता है उस वक्त। इसीलिए रात होते होते तक बच्चा फिजिकली भले ही थक जाए लेकिन मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होता। दे आर सो फुल ऑफ एनर्जी क्योंकि वो हर वक्त लगभग फ्लो स्टेट में रहते हैं बच्चे। लेकिन हमारे साथ क्या ऐसा होता है? नहीं। सेकंड फायदा क्या होगा कि जब आप उस काम को कर लेंगे जिस काम के लिए आपने फोकस किया हुआ है, उसको करने के बाद में आपकी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होगा, एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है, इसको हैप्पी हार्मोन भी बोला जाता है, जो आपको अच्छा महसूस कराता है, खुशी महसूस कराता है। तो अगर आप पूरे फोकस के साथ एक काम को करेंगे तो पहला फायदा क्या होगा, आप फ्लो स्टेट में होंगे, काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, थकान महसूस नहीं होगी, एंड सेकेंड आप खुश महसूस करोगे। क्या यही अमेजिंग नहीं है अपने आप में? यस। और इसके लिए मैं प्रो टिप आपको देता हूँ, जब भी आप इस तरीके से काम करने बैठे, मे बी योर स्टडी, कुछ भी करने आप बैठ रहे हैं, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, इवन खाना भी आप खा रहे हैं, कीप योर फोन अवे, अपना फोन दूर रख दीजिए, और अगर हो सके तो किसी दूसरे रूम में रख दीजिए, उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो दीज आर द टू सीक्रेट्स, एंड लेट्स गो टू द सीक्रेट नंबर 3, मेक स्टडी टाइम स्लॉट्स एंड यूटिलाइज ब्रेक्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए एज अ स्टूडेंट व्हेन आई डिड इंजीनियरिंग, व्हाट वी यूज टू डू इज, पूरे दिन हम, ऑनेस्टली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नाइट टाइम आई यूज टू स्टडी लाइक फॉर 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, कभी 1:30 बजे, कभी 2:30 3 बजे तक पढ़ रहे हैं। बट विद टाइम आई रियलाइज कि प्रॉपर स्लॉटिंग नहीं थी टाइम की, उसकी वजह से बहुत नुकसान होते थे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उस सॉल्यूशन क्या है। तो लेट मी शेयर द सॉल्यूशंस, मेक प्रॉपर स्टडी टाइम स्लॉट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, सबसे पहली चीज इसमें आपको क्या करनी होगी, आपको यूज करनी होगी पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि अगर आप कुछ समय के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आधे घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अगर आप 1 घंटे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। अगर आप 90 मिनट के लिए कोई एक काम कर रहे हैं तो आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। दैट इज नोन एज पोमोडोरो टेक्निक। हमें ये नहीं पता थी, हम पढ़ने बैठे तो 3 घंटे तक पढ़ ही रहे हैं, उसके फायदे कम नुकसान ज़्यादा होते थे। फायदा हमें लगता था कि 3 घंटे तक पढ़ा, मज़ा आ गया, इतना सिलेबस कवर हो गया, लेकिन हमारे ब्रेन के हिसाब से तो हम इफिशियंट है ही नहीं, इफेक्टिव है ही नहीं वो 3 घंटे पढ़ना। क्यों? क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों को, उन टूल्स को अप्लाई नहीं कर रहे जो हमें करने चाहिए।
जो वास्तव में हमें फ़ायदा देंगे। क्यों मैं आपको बताता हूँ, पोमोडोरो टेक्निक फ़ायदा करती है क्योंकि जब आप अपने ब्रेन को एक फोकस के साथ काम कर रहे होते हैं, देन यू गिव योर सेल्फ टाइम 10 मिनट का, आधे घंटे का, तो आपका ब्रेन रिकवर होता है और उस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को एसिमिलेट करता है अपने अंदर। यही गलती जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं कि पढ़ते बहुत हैं, रिजल्ट्स नहीं आते। उसके पीछे रीज़न बहुत बड़ा ये है कि दे डोंट यूटिलाइज देयर स्टडी टाइम स्लॉट्स। टाइम स्लॉट होता ही नहीं है, पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो पढ़ ही नहीं रहे 1 घंटे भी, राइट। एंड सेकेंड इज, जो आपके स्टडी ब्रेक्स हैं उनको भी आप पहले से तैयार करके रखिए, यूटिलाइज करना है उनको। ये मत सोचिए कि ओके 1.5 घंटे पढ़ लिया उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। नो, क्या कर सकते हैं आप ब्रेक्स में, अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ बात करिए, फ़ोन पर बात करिए, अगर एक साथ में रहते हैं घर पर, बाहर रह रहे हैं तो फ़ोन पर बात करिए, अगर घर में रह रहे हैं तो उनसे हाय हेलो करिए, बातचीत करिए। एक शॉर्ट वॉक पर चले जाइए, मे बी छत पर चले जाइए, कोरोना का टाइम है तो आप घर पर ही कुछ फिजिकल मूवमेंट्स करिए, जंपिंग जैक्स और मे बी पुशअप्स और स्किपिंग रोप्स। घर में जो काम होते हैं घर के, मे बी छोटा मोटा काम, चाय बनाना है, अपना बेडरूम सही करना है, अपनी स्टडी टेबल सही करनी है, ये सब काम करिए। ऑर्गेनाइजिंग योर स्टडी रूम एंड टेबल, इट्स लाइक इट्स ऑब्वियस, अपनी है तो खुद को ही करनी है। एंड लिसन टू सब अपबीट म्यूजिक। मैंने एक चीज़ मेरे मेंटोर से सीखी थी कि आपको वो गाने सुनने चाहिए जिस मूड में आप आना चाहते हैं, ना कि वो जिस मूड में आप हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है राइट नाउ यू आर फीलिंग अ बिट सैड, दुखी फील कर रहे हैं किसी वजह से, तो आपको वो गाने नहीं सुनने हैं जो आपको और दुखी महसूस कराएं, राइट। आपको वो सॉन्ग सुनना है, वो म्यूजिक सुनना है जो आपको उस स्टेट में लेकर जाए जैसे आप महसूस करना चाहते हो, मींस हैप्पी और एक्साइटेड। तो अपबीट म्यूजिक लगाइए और डांस करना शुरू कर दीजिए, राइट। आपने जरूर सुना होगा डांस लाइक नो वन इज वॉचिंग, जस्ट डू दैट। एंड इसमें मैं प्रो टिप आपको देना चाहूंगा, अपने ब्रेक्स को पहले से प्लान कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल पूरे दिन में आपने 4 ब्रेक्स डिसाइड किए, उन चारों ब्रेक्स को डिसाइड कर लीजिए, ओके इस ब्रेक में मैं ये काम करूंगा, इस ब्रेक में मैं मस्ती करूंगा, इस ब्रेक में मैं फ्रेंड से बात करूंगा, इस ब्रेक में मैं जो भी, वट एवर यू प्लान इट, जस्ट प्लान इट इन द मॉर्निंग, जिससे आप उनको खराब ना करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टडी स्लॉट्स को प्लान करना है और ब्रेक्स को भी प्लान करना है। नाउ फोर्थ सीक्रेट इज स्लीप ऑन इट। दिस इज थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक ऐसा जादू की गोली दे दी जाए जो आपको एक सुपर लर्नर बना देगी, तो जानना चाहेंगे वो गोली कौन सी है। सही सोच रहे हैं आप, वो गोली है नींद। जब मैं एक स्टूडेंट था, जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था बिफोर आफ्टर माय 12th, तो हमारे टीचर्स कभी कभी कहते थे कि 4 घंटे सो और खूब मेहनत करो। विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैं आज भी उन्हें बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ, राइट। दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, मैं एग्री नहीं करता हूँ। बिकॉज अगर कॉमन सेंस को देखें तो आपने ज़रूर इस बात को सुना होगा कि हम खाए बिना इतने दिन जिंदा रह सकते हैं, हम पानी पिए बिना इतने दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन नींद के बिना, आप 2 रात लगातार जग के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। कॉमन सेंस की दूसरी बात मैं आपसे करता हूँ, कौन सा ऐसा जानवर है, एनिमल है, हम भी एनिमल्स ही है ना, कौन सा ऐसा एनिमल है जो सोता नहीं है। मेरे ख्याल से सारे ही सोते हैं, और एक एवरेज ह्यूमन बीइंग लगभग 8 घंटे सोता है एवरेज, बचपन से लेकर बुजुर्ग होने तक, और अपनी लाइफ का लगभग 1/3 हिस्सा सोने में बिताता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को या हमारे ब्रेन की जरूरत, ब्रेन को जरूरत होगी ना स्लीप की, इसीलिए तो कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक एवरेज ह्यूमन बीइंग 1/3 हिस्सा सोने में बिता रहा है, तो क्यों ना इस पर थोड़ी सी रिसर्च करी जाए, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ली जाए, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा जाए, राइट। क्यों हमें सोना जरूरी है, क्यों हमारे लिए नींद जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बॉडी और ब्रेन को रिकवर करती है। दैट इज वाई हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं। दैट इज वाई जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, हमारी जो टंग है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है वाइट कलर की, हमारा मोशन बनता है, क्लियर मोशन होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, टॉक्सिन्स को निकालने की प्रोसेस में लगी हुई है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पूरे दिन आपने काम किए, आपके ब्रेन में जो मेमोरी, जो भी स्टोरेज हुआ, जो भी मेमोरी बनी, उसमें से क्या काम का है उसको जगह जगह स्टोर करती है, जो काम का नहीं उसको फेंक देती है। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे हमारे घर में अलमारियां होती हैं और अलमारी में बुक्स या फाइल्स लगी होती हैं और फाइल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स लगे होते हैं, वैसे ही हमारी जो ब्रेन है इसके अंदर भी ऐसी कैबिनेट्स बने होते हैं
और सही फाइल में सही पेपर लगना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, वो स्टोर रूम नहीं रहेगा, वो कबाड़ रूम बन जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको प्रो टिप दूंगा कि आप फोकस करिए 7.5 घंटे से लेकर 8 घंटे की नींद पर, 7.5 इज मिनिमम। और वो भी ये जो नींद है ना वो रात वाली होनी चाहिए। ऐसे मत कोशिश करिए कि 4 घंटे दिन में सो रहे हैं 4 घंटे रात में। नो, दिस इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज अ गुड नाइट स्लीप। सोच कर देखिए रात होती क्यों है, सारे जानवर रात को ही क्यों सोते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन सेंस हियर, नथिंग मोर लाइक साइंटिफिक एंड ऑल, बट यस दिस इज साइंस, बट इट इज मोर अबाउट कॉमन सेंस ऑल्सो। आप भी ये जानते हैं कि हमारी सभी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, राइट? और हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सनराइज और सनसेट के हिसाब से ड्राइव होती है, जिसको सर्केडियन रिदम भी बोला जाता है। सो नाउ यू गॉट द पॉइंट, वाई स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड इट इज अ सुपर लर्निंग हैक। नाउ फिफ्थ सीक्रेट इज यूज द पावर ऑफ गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल मीन्स द पावर ऑफ लर्निंग, डूइंग एंड टीचिंग। एज ए स्टूडेंट वॉट वी डू द मोस्ट, वी लर्न एंड वी डू। हम जो भी स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में सीखते हैं उसको हम करते हैं प्रैक्टिस, मे बी कॉलेज ट्यूशन, कॉलेज में, स्कूल में, ट्यूशन में, और मे बी घर पर, बट वी रेयरली टीच। बट टू लर्न एनीथिंग और टू मास्टर लर्निंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन टीचिंग ऑल्सो। अब भाई पढ़ाए किसको? द क्वेश्चन इज टीच किसे करें, किसी को मत करिए। आप सिर्फ ये सोचकर पढ़िए या ये सोचकर लर्निंग करिए कि आपको किसी को सिखाना है। इससे फायदा क्या होगा? वेन यू लर्न एंड डू एज अ स्टूडेंट, यू लर्न लाइक आप सीखते हैं, बट वेन यू लर्न विद द पर्स्पेक्टिव ऑफ टीचिंग, आप टीचर की जगह पर भी थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं और आप एज ए स्टूडेंट तो सीख ही रहे हैं। तो ये टू वे प्रोसेस होती है जहां पर आप ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ में चीजों को सीखते हैं। जब ऐसा होता है तो फायदा क्या होता है? यू लर्न बेटर एंड इन योर एग्जाम्स यू परफॉर्म बेटर, राइट? सो यूज द पावर ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। फिफ्थ सीक्रेट ऐसा है जो नॉर्मली लोग नहीं जानते, बिल्कुल जानते ही नहीं है। अप्लाई करना तो बहुत बात की बात है, 90% पीपल डोंट नो इट। एंड सिक्स्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्सरसाइज। हालांकि आई बिलीव एज ए स्टूडेंट इन स्कूल और मे बी इन कॉलेज ये हो जाती है, लाइक वॉकिंग बहुत होती है, इवन साइकिलिंग बहुत होती है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसे स्पोर्ट्स में बहुत हम एक्टिव रहते हैं, और ये आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है। क्यों करनी है, इसके फायदे क्या होते हैं? क्योंकि इससे आपकी मेमोरी और ब्रेन फंक्शन, यानी ब्रेन के काम करने की जो एक्टिविटी है, जो फंक्शनैलिटी है, वो बेहतर होती है, और आपकी बॉडी का और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होता है इन एवरी स्पोर्ट। फ्यूचर में आ सकने वाली बीमारियां, चाहे वो डिप्रेशन हो, ऑस्टियोपोरोसिस हो, डायबिटीज़ हो, या हाई ब्लड हाइपरटेंशन हो, इनसे आपको प्रिवेंट कर सकती हैं एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी स्लीप की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, आप अच्छी नींद ले पाते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है। वाई? बिकॉज अगेन डोपामिन रिलीज होता है, जो पहले हमने डिस्कस किया था, एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, सेरोटोनिन एंड डोपामिन दोनों हैप्पी हार्मोन्स हैं। जब ये रिलीज होते हैं तो आपका मूड अच्छा होता है और आप स्ट्रेस से अच्छे से लड़ पाते हैं, कॉम्बैट कर पाते हैं। ये मीन्स स्ट्रेस आपको परेशान नहीं करता या नहीं होता। एंड सेवेंथ एंड हाईली इंपॉर्टेंट इज यूज स्मार्ट मेमोरी मेथड्स एंड टूल्स। मैं वापस से उसी सवाल पर आता हूँ जो सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, तो अगर गाड़ी में आप 4-5 लोग भी हैं तो क्या मिलकर उसको उठाकर टायर चेंज कर सकते हैं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। उसके लिए आप क्या करते हैं? यू यूज अ टूल, उस टूल का नाम है जैक, और जैक के साथ में और भी टूल्स यूज करते हैं। लेकिन हम अपनी लाइफ में एज ए स्टूडेंट लर्निंग में क्या कर रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिए और समझिए, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर की तरह देखिए। नॉर्मली हम कैसे याद करते हैं? हम या तो क्रैमिंग करते हैं, जिसको रटना बोलते हैं, रोट लर्निंग बोलते हैं, हम लीनियर नोट्स बनाते हैं, लीनियर नोट्स मतलब बस हम पेज भर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, राइट? लेकिन अगर जेन्युइनली आप अपने आप से सवाल करें तो उसका कितना परसेंट आपको याद रहता है? एज ए स्टूडेंट मेरे साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज था, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। चैलेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं? और जो भी आप याद करते हैं, क्या वो 100% आपको याद रहता है एग्जाम के टाइम पर? आई एम श्योर आप जरूर कहेंगे नहीं, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। मैं भूल जाता था, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स भूलते हैं। क्यों? क्योंकि हम और आप अपने ब्रेन का बहुत ही छोटा फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं इस वक्त।
हमारे पास, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ और हम उसको उठा रहे हैं, काम होगा क्या? नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ स्मार्ट मेमोरी मेथड्स का यूज़ करना होगा जो मैं अपने कोचिंग सिस्टम में सिखाता हूँ कि वो कौन से मेथड्स हैं, आप उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। इन दिस वीडियो आई टॉक्ड अबाउट 7 सीक्रेट्स दैट यू कैन यूज़ टू बिकम अ सुपर लर्नर, लाइक अ सुपर हीरो, सुपर स्टूडेंट। वॉट आर दीज, लेट मी रिपीट वंस अगेन। माइंड मैप, सिंगल माइंडेड फोकस, स्टडी टाइम सेट करिए, स्लॉट्स बनाइए एंड स्टडी ब्रेक्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करिए, नींद का पूरा ध्यान रखिए, यूज़ द पावर ऑफ गोल्डन ट्रायंगल, लर्न डू एंड टीच, फिजिकल एक्सरसाइज, अगर किसी भी वजह से आप एक्सरसाइज रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, पार्टिसिपेट इन ए स्पोर्ट। आप अगर कॉलेज में हैं या घर पे हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी स्पोर्ट में एक्टिव हो जाइए, मे बी बैडमिंटन और फुटबॉल, क्रिकेट, जिसमें भी आप हो सकते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यस, एंड यूज स्मार्ट मेमोरी मेथड्स। नाउ वीडियो देख लिया, आपको कुछ चीज़ें काम की भी लगी होंगी, आपने नोट भी की होंगी, अब क्या करेंगे? तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू टेक एक्शन। एक्शन नंबर वन, इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, अगर आपको लगा इसमें एक दो तीन चीजें ऐसी थी जो आपके काम की थी, इंपॉर्टेंट थी, तो मेरा जो फ्री वेबिनार होने वाला है लाइव ऑन 22nd of November, संडे है उस दिन, आप उसको, उसके लिए अभी तुरंत रजिस्टर करिए। दैट इज कंप्लीटली फ्री एंड दैट विल बी लाइव, सो आई विल सी यू लाइव इन दैट वेबिनार। इफ यू आर अ स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लाइक दिस इज वाइटल फॉर यू, एंड इफ यू आर अ पेरेंट जो चाहते हैं कि उनका बच्चा और एक्सेल करे पढ़ाई में, उनके लिए ये मस्ट है, इसको अटेंड करना। सो दिस इज द लिंक ऑफ द वेबिनार, आई विल शेयर द लिंक विद द लाइक फर्स्ट कमेंट विल बी द लिंक, एंड सेकेंड इज इस वेबिनार का लिंक अपने उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनके आप हेल्प करना चाहते हैं। यस, नाउ इफ यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन, let me know in the comments and I will share this PDF with you completely free without any charges. Yes, obviously, that's very obvious. And I'm so glad to Herbal Homeo, to Shikhar for giving me this opportunity to have an interaction with you. And I feel so fortunate. You've been an amazing audience. Thank you so much. Have a great day. God bless.